आज अपना प्रतीक यहाँ उन्होंने तोड़ दिया, इसको देख करके विश्व का हृदय गदगद हो गया। अपना धनुष को रख करके ठाकुर जी के चरण में आप प्रणाम के बोले, प्रभु आज मेरे प्रतिज्ञा तो आप रक्षा करके अपना प्रतिज्ञा तोड़ दियो। इसलिए प्रभु मैं कितने सौभाग्यवान हूँ, इतने में कृष्ण चक्र उठा लिया था, उन्होंने चक्र उठा लिया था, लेकिन भगवान कहते उनका जो प्रतिज्ञा है कि वो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सचोनी नीतम च सत्य। भगवान कौन है? भगवान का प्रतिज्ञा कभी झूठा नहीं होता है। लेकिन भगवान चक्र उठा लिया, लेकिन पिता विश्व माफी मांग लिया, अभी क्या करेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं चक्र जहाँ पर गुरु क्षेत्र से उन्होंने चक्र को उन्होंने क्या किया, चक्र को ने वहीं से उन्होंने चक्र को फेंका और वो चक्र घूमते 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 हार करके यहीं पर पड़ा। इसलिए इसका नाम है एक चक्र एक ही है और घूमते घूमते संसार भक्ति अगर कोई व्यक्ति संसार से पार लिया भक्ति रसा करे, चलिए संसार से पार होकर के कृष्ण भक्ति रस में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बोले से भज को गीता ही चाहते हैं, कहते से भज को गीता ही चाहते रहो, नित्यानंद प्रभु को भजन करे, उनकी कृपा से ही भक्ति रस समुद्र में गोता लगा सकते हो। इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं आवध करुणा सिंधो का किया मुहारा करे करे भूले प्रेम आमी आरवार। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे एक बाग हो, एक तरफ में पानी ही पानी हो, दूसरे तरफ में एकदम सुखाई सुखाई है, अगर उसको अगर वो जो एक डैम है जो बांध अगर उसको तोड़ दोगे बीच से क्या होगा, बड़ी तेजी से पानी आएगी, फिर पानी आकर क्या करेगा, सामने जो पड़ेगा ना उसको एकदम डूबा दोगे ले जाएगा, उसको एकदम डुबा करके ले जाएगा। उसी तरह कहते आवध करुणा सिंधु काटिया मुहार, जो प्रेम है ना वो एक तरफ में वो प्रेम था उसकी बांध था, लेकिन वो बांध को काटने वाले कौन है बांध को, कहते श्री नित्यानंद प्रभु ने ये प्रेम को बांध को ऐसे तोड़े, बोले घरे घरे भूले प्रेम अमियार बार, फिर तो वो प्रेम भी बाहर आए जाकर क्या क्या अमियार बार, अमियार मतलब अमृत, बाण मतलब होता है बाढ़, एकदम प्रेम की बाढ़ ऐसे बहा प्रेम की बाढ़। इसलिए उदाहरण देते हैं नवद्वीप में महाप्रभु एक मूल स्कंद रूप में महाप्रभु, उसमें दो टहनिया निकली, कौन कौन, एक नित्यानंद प्रभु एक अद्वैत आचार्य, दो टहनिया निकली, फिर उसमें असंख्य टहनिया निकली है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग को क्या कहते हैं, ये नित्यानंद प्रभु अभिन्न विग्रह श्री गुरुपाद पद्मा है, वो टहनिया से वो टहनिया बढ़ते 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 रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, फिर उससे कौन निकली भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज निकले, फिर उसमें एक विशेष टहनिया निकली, बताओ टहनिया कौन, जोर से बोला, श्री भक्ति व्यवस्था नारायण गोस्वामी महाराज। वो टहनिया इतना फैल गई, वो टहनिया कहीं कभी अमेरिका चला गया, कभी लंदन चला गया, कभी फ्रांस चला गया, कभी दिल्ली चला गया, कभी वो टहनिया चला गया कहां पर चला गया, अम्बाला चला गया, कभी नएगा चला गया, कभी बॉम्बे चला गया, और कभी असाथा चले गए, बड़ौदा चला गया, और इसलिए कभी चला गया गली चला गया और कहाँ चला गया, जनकपुरी चला गया, रामचंद्रपुर चला गया, कभी चला गया जयपुर चला गया, कभी काश्मीर चला गया, कभी कभी फरीदाबाद चला गया। वो टहनिया ना टहनिया चलते चलते इतना दूर तो फैल गया टहनिया, फूल की खुशबू इतने दूर तक गई, वो फूल की खुशबू में आकर्षित होकर के कितने सारे यहाँ पर देखो सारे विश्व ब्रह्मांड का कितने भौंरा सबके सब वो रस को आस्वादन करने के लिए आकर के वो पुष्पों के ऊपर बैठ करके सबने सब रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए ये नित्यानंद प्रभु कृपा वो पार नित्यानंद प्रभु ने बढ़ाया है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु, नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु, नित्यानंद प्रभु इसलिए कहते हैं दयाल की
ताई चैतन्य बोले नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम लेकर नाच उठे। बोले क्यों? बोले कहीं से कोई दयाल देखा हो जो मार खा करके भी प्रेम देते हैं। कृष्ण को थोड़ी गड़बड़ी क्या, चक्र उठा लिया, राम ने धनुष उठा लिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु का सर को फोड़ दिए तो बोले मेरे जी काले सिले काना ताई बोली प्रेम देना। भले ही तुमने एक बार मेरे सर को फोड़ दिया, भैया एक बार मेरे प्रभु का नाम लो, एक बार श्री सचिनंदन गौर हरि की, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, सारे अपराध में दूर कर दूंगा। मतलब इतने दयालु। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनकी दया के लिए कहते हैं, बोले कोई से रखी थे कोई से लभिष्ट, जगाई माराई है थे कोई से पापिष्ट, मोर नाम दय जेतार पाप है, मोर नाम सुने जेतार पुण्य करे, लेकिन केवल निर्दित न मरे के बाद कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माया है। देखो कितने बड़ी बात इनके लिए कहते हैं। मतलब मैं ताती के कीड़े से भी गया भी था, जगाई माराई इतने पाप किया जिसको चित्रगुप्त लिख लिख के घर पर लिख दिया, लेकिन उससे भी हम ज्यादा पापी, मेरे नाम अगर कोई ले मेरे सारे पुण्य खत्म हो जाएगा, मेरे नाम को सुने तो उसकी पाप लगेगा। इतने में गिरे हुए व्यक्ति, अगर इतने बड़े गिरे हुए व्यक्ति को अगर कोई कृपा कर सकता है जगत में, केवल एक व्यक्ति, वो कौन है? जोर से बोलो नित्यानंद। नित्यानंद बिना जगत माधारे, केवल नित्यानंद प्रभु ऐसी कृपा है जो कि हमारी ये अपराध माफ करके हमें प्रेम दे सकते। इसलिए हम सबके सब उनकी चरण में आए नहीं, हमारे यहाँ भक्त लोग सबके सब थोड़ा थोड़ा उनका चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। नित्यानंद प्रभु रूप में श्री गुरुपाद बचना ये हम सबको ऊपर भी कृपा करे। उनको धाम में आए ना, नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं खड़े सामने है। मेरे धाम में परिक्रमा को लास्ट में ये सबके सब मेरे धाम में आए हैं, सबको ऊपर वो जरूर कृपा करेंगे। इतना कष्ट करेंगे, थोड़ी सी कष्ट देखते ही वो पिघल जाता है, हत्या हृदय उनकी पिघल जाता है। इसलिए हम सबको ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा हो और एक दिन हम भगवान की भक्ति पथ पर चल करके एक दिन महाप्रभु प्रेम हमें जैसे प्रदान करें। बस श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु हरि की जय। हरे कृष्णा। देखो मैं कह रहा हूँ चलो, उन्होंने मुझे माइक दे दिया, बोलते तो चुप भाई जाते। अज्ञानंद प्रकृत ज्ञानंद शलाक्य चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विधान नारायण को समी की नामने श्री कृष्ण लीला आवाज नहीं आ रही, आज जोर से आएगी, चिंता मत करो।
एक तरफ हमारे गुरु महाराज जी, एक तरफ हमारे नित्यानंद प्रभु, गुरुदेव तो गुरुदेव, नित्यानंद प्रभु अखंड गुरुदेव, क्या कनेक्शन है? नित्यानंद प्रभु कौन है? अखंड गुरुदेव, गुरु तत्व। और गुरुदेव कौन है? हो गुरुदेव है। तो दोनों में कैसा संबंध है? देखा, समझना, ये राज गोवर्धन की हम पूजा करने के लिए जाते हैं, खूब खिलाते हैं, लेकिन एक गिरिराज शिला ले लिए उसको भी हम वैसे ही पूजा करते हैं। गिरिराज शिला की पूजा करने से किसकी पूजा हो जाती है? पूरे गिरिराज जी की पूजा हो जाती है। तो पूरा गिरिराज गोवर्धन अखंड गुरु तक, और उसमें से एक शिला हमें मिल गई, वो गुरुदेव। और गुरुदेव से ही हम अखंड गुरु तक की पूजा कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा, अभी महाराज कह रहे थे कि खाली कथा हमारा जोर है, यहाँ आने की जरूरत नहीं हुई, इतनी मेहनत करके अगर कथा ही करनी थी तो फिर समाधि पे बैठ के कर सकते, यहाँ आए हैं। तो देखो, हम अपने भक्ति के जीवन में कथा सुनते सुनते स्थान पर आकर इस कदर प्रार्थना करने वाले बन जाए कि हमारे गुरु और गुरुवर्ग और अखंड गुरु तत्व का हृदय पिघल जाए और वो कृपा देते, ये हमारा उद्देश्य होता है। प्रार्थनाओं के बल से हम उनका हृदय पिघाल दें और वो पिघाल दें तो हमें कृपा कर दें। मैंने एक बार गुरु महाराज जी को बोला, प्रार्थना करके बोला, कविता की लैंग्वेज में बोला, मैं महाप्रसाद गुरुदेव आपका हर बार चाव से पाया हूं और आपके चरण रज को अपने सिर से लगाया हूं और अपनी छोली की चादर आपके सम्मुख फैलाया हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं या फिर आहें भर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मेरी ताकत की शक्ति है। मैं इतना ही कर सकता हूं या फिर आहें भर सकता हूं। शिष्य तो आपने चयन किया, शिष्य तो आपने चयन किया, इतना रहम मात्र करो, साधन सिद्धि के योग्य नहीं, कृपा सिद्धि के पात्र करो। तो हम इस तरह की प्रार्थना कर जाए कि उनकी कृपा की वो हो जाए, इसलिए हम धाम में आते हैं, इसलिए हम उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में सुनकर हम उनके प्रति ऐसा प्रेम जला दें कि हमारी एक आंखों की बूंद उनके हृदय को पिघाल दे और हमें कृपा दे दे। भाई बाकी जितनी भी साधन कर करके थक जाओगे, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। गुरुदेव ने बोला एक दिन मुझको, मैंने बतला बात में चलते चलते कि इस साधन भी इसलिए किया जाता है कि अंत में आके ये कहते प्रभु मैं से साधन भी नहीं हो जाए, अब मैं टोटल आपकी शरण में आ गया हूँ, अब उठा लो, अब उठा लो, तो भगवान उठा लेते। तो हम अपने घर में गिरिराज शिला की पूजा करते हैं, रोज उसको नहलाते हैं धुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आज हम गिरिराज जी की तलहटी में आ गए हैं, तो अभी गुरु पूजा, अब हम गुरु तत्व के पास आ गए, अखंड गुरु तत्व के, गुरु तत्व तो वो है उनके हाथ में माला पकड़ा, तो उन्होंने क्या किया? अगर वेद व्यास जी के हाथ में दे दी होती तो नारद जी के गले में डाल के व्यास पूजा कर देते, स्वामी जी के हाथ में माला पकड़ा दी जाती तो वो वेद व्यास जी के गले में डाल के व्यास पूजा कर देते, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के गले में के हाथ में माला पहन दी गई तो उन्होंने जैसे ही महाप्रभु आए तो महाप्रभु जी के गले में डाल के उन्होंने के गुरु खुद करते हैं सारी हमारी के
गुरु तत्व के बाद हम